फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे पीआई इंडस्ट्री आने वाले समय में किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और ये कितना ऊपर जा सकता है, ऊपर के लिए हमारा टारगेट क्या होगा और किस पॉइंट पर हम लोग प्रेस बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक के पूरे मोमेंटम के बारे में भी हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे इसको देख रहे होंगे तो सबसे पहले तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चले जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप 2 दिन का यहाँ पे रैली देखेंगे तो बहुत ही शानदार रैली है। लास्ट यहाँ पे 5% का हम लोग को अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है। एंड यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उस गैप डाउन ओपनिंग के बाद से 3900 से लेके 4200 तक यहाँ पे लगभग लगभग 300 पॉइंट्स का इसने जर्नी 2 दिनों में हम लोग को दे दिया है और तो बहुत ही अच्छी रैली यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है। तो लास्ट पूरे वीक की बात की जाए तो ठीक है, 2 दिन ही है, 2 दिन ही है और ये एक तीसरा दिन, तो 5 दिन मिला के अगर देखेंगे तो 3800 से लेके 4200, ठीक है, तो अराउंड 400 रुपीज़ का मोमेंटम किया। और इसका स्टॉक प्राइस हम लोग एवरेज लेंगे 4000 का, तो यहाँ पे 10% का इसने 1 वीक में मोमेंटम दिया और बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है अगर 10% आप देखेंगे 1 महीने 1 वीक के अंदर, राइट। तो आगे क्या हो सकता है, अभी 2 दिनों के टाइम फ्रेम के हिसाब से तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, तो आगे ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। अगर ऊपर निकलता है तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि इसको हॉल टाइप सिचुएशन एक बनाना पड़ेगा। 2 दिन में ये स्ट्रेच हो चुका है तो छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन पैटर्न ये बनाएगा एंड उसके बाद कंटिन्यू होगा, क्यों, क्योंकि इस तरीके से कोई भी शेयर ऊपर की ओर नहीं जाता। और जबकि पिछले 2 दिनों में अगर हम लोग देख रहे हैं तो कुछ नहीं तो 3900 से यहाँ पे 7 to 8% का मोमेंटम है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये वेट करके उसके बाद 1-2 दिन बाद निकले तो ये जो मोमेंटम है कहीं ना कहीं डाइजेस्ट होगा एंड उसके बाद निकलेगा तो हम लोग एक अच्छा मोमेंटम दिखाएगा। वीकली टाइम फ्रेम पे अगेन हम लोग चलते हैं एंड वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम लोग देख रहे हैं तो 1 वीक में अच्छा खासा मोमेंटम है। यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया था, परफेक्ट इनसाइड कैंडल एंड उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ बूम करके ऊपर की ओर निकल गया। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ नहीं तो हमारे पास इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन था, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे कभी भी कोई भी शेयर अगर जाके अपने ट्रेंड लाइन के पास टाइम स्पेंड कर रहा है एंड उसके बाद एक ब्रेकआउट दे रहा है तो ये ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा होता है और यहाँ पे सक्सेसफुल ब्रेकआउट ये सस्टेन कर जाता है, राइट। अब नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक में अगर देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है नो डाउट, लेकिन अगर 4207 के आसपास की क्लोजिंग मिली है, थोड़ी सी भी हम लोग को नीचे अगर ओपनिंग मिलती है और ये थोड़ा सा नेक्स्ट वीक में जब स्टार्ट हो तो पहले 1-2 दिन थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट करें या फिर थोड़ा नीचे जाए या फिर आधा दिन नीचे जाके उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट दे रहा होगा तो ये यहाँ पे जो वीक मिलेगा, ठीक है, इस वीक का ऐसा लगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरली बहुत ही छोटे से क्वांटिटी में हम लोग को इसको फिर प्लान करना चाहिए। बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्लान करना है तो हम लोग को थोड़े बड़े टाइम बड़े इन्वेस्टमेंट पर्पज से यहाँ पे प्लान करना चाहिए। अगर मैं इसको ट्रेड करता तो छोटे टाइम फ्रेम के लिए करता और यहाँ पे इसका ऐसा लगा के, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार एक ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है, उसके बाद अगर इस ग्रीन कैंडल के बाद थोड़ा सा ये ओपन होते ही नीचे आ रहा है एंड उसके बाद जाके हाई को ब्रेक कर रहा है, इन द सेंस ये यहाँ पे टेक्निकली शो कर रहा है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, प्लस फ्रेश बायर्स आए हैं जो इसको ये फिर से नए हाई की ओर लेके जा रहे हैं, तो इसी एसएल के साथ एक और यहाँ पे मोमेंटम दिखा सकता है, ठीक है। अब चूंकि ये 1 वीक के मोमेंटम में ही बहुत ही 10% अराउंड मोमेंटम कर चुका है इसके एवरेज प्राइस से, ठीक है, तो यहाँ से एक और बहुत बड़े कैंडल की एक्सपेक्टेशन हम लोग नहीं रख सकते हैं, लेकिन 3-4% अगर हम लोग नेक्स्ट वीक में भी मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, मैं ये पहले से जो ड्रॉ करके रखा हूँ इसको ऑन कर देता हूँ, अगर हम लोग इसको देखेंगे, राइट, तो जब मैंने आपको बात बोली कि 1 डे टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा हॉल्ट होना चाहिए और वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर की ओर ब्रेक करना चाहिए, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से बैठती हैं, क्यों, क्योंकि ये ऊपर की ओर एक ऐसा जोन है जहाँ से इसने बार बार लगभग 1, 2, 3, 4 टाइम यहाँ से नीचे की ओर आ गया और इसी चैनल पैटर्न में, ठीक है, एक चैनल पैटर्न है जो कि ऊपर की ओर बहुत ही नैरो होता जा रहा है, इसमें अंदर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से इस पॉइंट से ये इतना पॉइंट ऊपर गया, अभी बहुत बड़ा कैंडल बना है। अगर यहाँ पे 1-2 इनसाइड कैंडल बना देता है, ठीक है, जैसा मैंने बताया कि ये बड़ा कैंडल बना है, ये नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट देगा, लेकिन बहुत बड़ा मोमेंटम हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर की ओर 3-4% हम लोग को मोमेंटम देखने को मिले अगर ब्रेकआउट देता है तो, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे 1-2 इनसाइड कैंडल बना देता है उसके बाद मोमेंटम देता है तो हो सकता है ये मोमेंटम काफ़ी बड़ा हो, परफेक्ट इनसाइड कैंडल हो सकता है इस लेवल के आसपास ना मिले, हो सकता है थोड़ा सा ये
हाँ थोड़ा ऊपर जाए, ऊपर जाके थोड़ा सा क्लोजिंग नीचे दे दे, फिर यहाँ पे क्लोजिंग इस तरीके से हो, 1-2 वीक रुके हैं, उसके बाद अगर ये निकलता है तो बहुत ही शानदार हम लोग को ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। इसके पीछे के 2 रीजन्स हैं। अगर हम लोग यहाँ पे रेंज यहाँ पे निकालेंगे तो 33,000 का नीचे की ओर लेवल है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं 3200 से लेके, तो 4000, 3200 से 4000 का जो लेवल है, मतलब यहाँ पे अराउंड 800 रुपीज का एक रेंज बना है। 800 में से 4000 का लेवल ब्रेकआउट का 200 मिला है, ऊपर हमारा 600 पॉइंट्स पेंडिंग है। अगर इस रेंज की बात करेंगे और ये रेंज देखेंगे, ठीक है, तो ये रेंज मई 2023 अप्रोक्स 1 साल के बाद यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, 1 साल से ज्यादा हो गया। अब ये यहाँ पे रेंज है, ठीक है, कभी भी कोई भी रेंज ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे उसका 1:1 मिलता है। आप ये पीछे जाके एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, राइट, इसका 1:1 यहाँ मिल गया, ठीक है। फिर एक नया रेंज बनाया और इसका रेंज 1:1 यहाँ पे अब हम लोग को ऊपर की ओर मिल सकता है। तो 800 मतलब 4800 का यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, ठीक है, 4800 का। अब क्या हो सकता है इस पॉइंट पे, देखिए इसने ऑल टाइम हाई लेवल ब्रेक किया है। किसी कोई भी शेयर ऑल टाइम हाई लेवल जब भी ब्रेक होता है तो एक अच्छा मोमेंटम होता है, हम सभी को पता है, क्योंकि ये एक अच्छे रैली के बाद ये वाला लेवल यहाँ पे ब्रेक किया था, इसलिए सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन फिर से जब इसने ब्रेक किया तो एक मोमेंटम हम लोग को नीचे की ओर से ये देखने को स्ट्रेच मिला। लेकिन इस बार आपका आपका स्ट्रेच बहुत ज्यादा वो नहीं लग रहा होगा, मतलब बहुत नीचे से ये यहाँ पे आके ब्रेक नहीं कर रहा है, बल्कि पास से, बल्कि 200-300 पॉइंट से यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। अब ये जो ब्रेकआउट है ये इसलिए ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है क्योंकि इसकी लेंथ देखिए, ठीक है, फिर इसकी लेंथ देखिए और यहाँ पे लेंथ देखिए, तीनों को अगर कंपेयर करेंगे तो इसका अगर आप कंपेयर करने जाएंगे 3400 और नीचे का लेवल निकालेंगे तो यहाँ पे निकलेगा 2400, अगर मान लेते हैं तो 1000 का ये स्ट्रेच था, ठीक है। अब यहाँ पे निकालने देंगे तो 3000 से लेके 4000, ये भी 1000 का स्ट्रेच है। तो इस बार जब ये ब्रेकआउट दे रहा है 3600 4000 से, अगर यहाँ से 1000 का स्ट्रेच मिल जाता है तो 5000 के आसपास का होता है, हमारा टारगेट कितना है 4800 के आसपास। तो अगर यहाँ पे 4-5 महीने अगर ब्रेक करके इस शेयर के अंदर 4000 रुपीज का शेयर है, ठीक है, अगर यहाँ से 400 पॉइंट जाता है तो 10%, 800 पॉइंट जाता है तो 20% का अगर रिटर्न मिलता है, ठीक है, तो क्या मतलब अच्छा एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी ब्रेकआउट हुआ है, अगर आप देखेंगे तो 1 वीक में ही 10% दे दिया, ठीक है, हो सकता है 1-2 वीक ना आगे आने वाले में अगर ब्रेकआउट देता है तो ये हो सकता है 1-2 महीने में ही बाकी का भी हम लोग को लेवल दिखा दे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसका जो यहाँ पे जो पेंडिंग जो यहाँ पे वेटिंग टाइम था, जो वेटिंग सिनारियो था, वो खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंटम हम लोग को लगभग लगभग सितंबर, ठीक है, सितंबर 2021 के बाद बहुत बड़ा किसी भी और मोमेंटम नहीं मिला, इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही, इसके इर्द गिर्द ही इसने ट्रेड किया है, इस तरह का स्ट्रेच हम लोग को देखने को नहीं मिला है। तो जब बार बार अपने ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट ले रहा है, मतलब एक बार स्ट्रेच यहाँ पे मिल सकता है, और ये स्ट्रेच जब भी मिलता है तो इस ट्रेंड लाइन से अवे चला जाता है, फिर से स्लोली अब यहाँ पे आएगा, ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से जाएगा जैसे हमारा 200 EMA काम करता है, उस तरीके से फिर ये यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करेगा और यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया ऊपर की ओर हमारे पास रेजिस्टेंस है, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच हो गया है, तो हो सकता है 1 डे टाइम फ्रेम पे हो सकता है इसके ऊपर जाए लेकिन क्लोजिंग नीचे दे दे, या इसके आसपास ही 1-2 दिन यहाँ वेट कर सकता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की ओर एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी एक अच्छा खासा स्ट्रेच है, तो यहाँ से 4200 से हो सकता है ये लगभग लगभग यहाँ पे एक रेंज बनाया था, इसका 1:1 दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि 4200 के बाद 4300, 100 100 रुपीज के लेवल में हम लोग अपना टारगेट यहाँ पे डिसाइड करके रख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पे कोई हो सकता है ये अगर ब्रेकआउट प्ले कर रहा है, ठीक है, तो ये जो यहाँ ऐसा लगाएगा जिस स्विंग का, उसका 1:2 या 1:3 प्लान करके भी हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। अभी अब हम लोग क्या करते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसको समझने की कोशिश करते हैं, कितना मतलब जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से काम करेगा। देखिए यहाँ पे गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा इसने टाइम स्पेंड किया इसके अंदर, राइट, अब यहाँ इसके अंदर कितना, ये लगभग लगभग 2-3 दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, फिर इसका ब्रेकआउट मिला, तो 1:2 हम लोग देख रहे हैं, 4000 यहाँ पे लगभग लगभग 120 पॉइंट्स, तो यहाँ से 120 पॉइंट जाएंगे, ठीक है, तो लगभग लगभग 4160 का पहला टारगेट था, ये यहाँ पे मिल गया, एंड यहाँ से 125 पॉइंट जाएंगे तो 4280 का हमारा यहाँ पे नया लेवल होना चाहिए। तो अभी 4212 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है लेकिन इसके पहले यहाँ पे वेट किया है, ठीक है। तो अगर इसके बीच में कहीं ओपनिंग होके अगर ये हाई निकालता है तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाए, थोड़ा ऊपर 4280 जाए, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ये नीचे की ओर आता हुआ दिखे, एंड
अगर नीचे आके फिर से ये हाई ब्रेक कर रहा होगा तो हम लोग मान के चलेंगे 4300 वाला जो लेवल है हम लोग को यहाँ पे दिखा देगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, तो ये वाली जो जर्नी है ठीक है, जनरली ये जर्नी अगर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास बनता है तो एक अच्छा मोमेंटम मिलता है, फास्ट मोमेंटम मिलता है ठीक है। हो सकता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे 3-4 कैंडल भी हम लोग को इस तरीके से ग्रीन देखने को मिले। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया, देखिए एक तो ब्रेकआउट लेवल है ऑलरेडी 2 दिन स्ट्रेच हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। अगर ये पहला ही कैंडल होता है और ये इस तरीके का कोई सिचुएशन होता तो मान के चलते कि यहाँ पे ये हुआ है ठीक है, एक दो कैंडल वेट करेगा उसके बाद मोमेंटम ये शो करेगा। वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आए लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।